कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई विकास नहीं है, केवल लूटा जा गया है, बस नाम अफवाह उड़ाया गया है सिर्फ कि ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है। थोड़ा मोड़ा हमारे यहाँ काम अगर आया तो कुछ मंत्री जी के वजह से पैसे घूसखोरी इधर उधर हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं है। रोड बना नहीं, रोड आधा में ओके हो गया, फाइनल हो गया, रोड का ही स्थिति है कि गड्ढा गुड्ढी सब कुछ। यहाँ पहले उग्रवाद से हम लोग त्रस्त थे, जब से चंद्रवंशी जी यहाँ विधायक हुए, मंत्री हुए, तब से यहाँ मने समझे कि हम लोग अमन चैन में है। अभी पानी पर काम कर रहे हैं, पुल पुलिया जितना रोड था सब बना रहे हैं, तो एक के बार में सब हो जाएगा, यही तो 5 साल से माने काम है हम लोग। मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए, इस समय द बिहार मेल की जो इलेक्शन एक्सप्रेस है झारखंड चुनाव यात्रा कर रही है, और इस समय हम जहां हैं वो पलामू जिला है, गढ़वा पलामू एक तरीके से बिहार से सटा हुआ जो इलाका है, जहां पर खास तौर से बिहारी दलों का भी कभी प्रभाव हुआ करता था। इस इलाके से भी जहां हम खड़े हैं, यहां भी इस समय जो एमएलए हैं वो कभी आरजेडी के एमएलए हुआ करते थे, सही इन्फॉर्मेशन है। नाम बताइए अपना, हम खास तौर से यहाँ क्या मसले हैं इसके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं, यहाँ का स्थानीय समीकरण है उसके बारे में बातचीत करते हैं, नज़दीक लाइए हमें, है ना। नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम बिमल राम है, घर पांडू है। घर पांडू है जी। पांडू को क्या चाहिए, पांडू को क्या चाहिए? पांडू खास तौर से मुझे लगा कि कम से कम विश्रामपुर विधानसभा के लिहाज से कि विश्रामपुर में पांडू जो डिसाइडिंग फैक्टर है, पांडू जिधर झुक जाता है विश्रामपुर विधानसभा उसके नाम हो जाता है, इस बार किसके तरफ झुकने की उम्मीद है आपको? देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ जात पात का वोट नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास के ऊपर पब्लिक जो है अपना मतदान कर रही है। अच्छा। यहाँ लोग जाति से बहुत पहले उठ चुके हैं, आज आप देखिए 1995 से लेकर के अभी तक यहाँ जो विकास हुआ है, चाहे वो राजद के समय हुआ हो या आज भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे नेता हैं चंद्रवंशी जी, उनके द्वारा 1995 से अभी तक लगभग विकास हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उसकी अपेक्षा विकास कम हुआ है। जैसे में यहाँ पे मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वह सिंचाई का, वैसे तो हमारे यहाँ सारा चीज़ विकास के नाम पर, देखिए 1995 से अभी तक सड़क नहीं था यहाँ पर, प्रखंड नहीं था, थाना नहीं था और अंचल नहीं था, यहाँ के हर इलाका में रोड का समस्या था, तो रोड का भी समस्या लगभग समाप्त हो चुका है, और यहाँ मेन चीज़ जो है यहाँ सिंचाई बहुत ज़रूरी है, तो इस बार जो मुद्दा है सिंचाई का है, और सिंचाई जब तक यहाँ नहीं होता है तब तक जनता को परेशानी है, इसलिए हम लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं, किसी जात पर किसी पार्टी के नाम पर नहीं दे रहे हैं, विकास जो किया है उसको हम लोग मतदान करेंगे। किसको वोट दे रहे हैं विकास के नाम पर? आप देख लीजिए, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, यह पब्लिक खुद जानती है कि किसको मतदान करना है। पड़ेगा क्या इधर लग रहा है आप लोग को विश्रामपुर विधानसभा में, क्या लग रहा है, और कुछ आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र लगभग 24 ईयर। 24 ईयर। पिछली बार भी वोट किए थे या। इस बार भी वोट कर रहे हैं, क्या 5 साल में कुछ उम्मीदें जो थी रघुवर दास सरकार से पूरी हुई? नहीं, वो तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का समस्या मेन समस्या जो है सिंचाई है, और साथ में फिर शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था पे सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि यहाँ का कोई रोजगार वैसा है नहीं, अभी फॉर्म लोग जो हम लोग फिलअप करते थे बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा। ठीक है ना, हम लोग, और एक बात और है कि हम लोग जो भी एग्ज़ाम किसी का कंपटीशन का आता है उसमें पैसा 1000-2000 ऐसे कर देता है। ठीक है। अच्छा। तो उसमें हम लोग जितने भी स्टूडेंट लोग हैं और उसमें फिलअप नहीं कर पाते हैं, और फिलअप करते भी हैं, अभी देखिए हम लोग एक साल हो गया पे एक थोर फिलअप किए हैं हम लोग फॉर्म, उसका अभी तक हम लोग का कोई आया नहीं है कि मतलब एग्जाम कब होगा क्या हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ पढ़ के भी अपना रोजगारी नहीं लेने पा रहे हैं। ठीक है, बात यहाँ ये है, तो शिक्षा की व्यवस्था सबसे कमी यहाँ हो गया है, और उसका ये पूरे पलामू प्रमंडल की स्थिति है, परमालू जो पूरे पलामू की, क्या झारखंड को मैं कहूँ, झारखंड। हाँ, सहमत है इनकी बात से? आइए आगे, इस तरफ आइए। क्या नाम है सर? राजीव रंजन। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? मेडिकल स्टोर। ठीक ठाक सामान यहाँ से बिक जाता है आपका? बिक जाता है। कैसे देख रहे हैं 5 साल के रघुवर दास के कार्यकाल को? कोई खास नहीं है, खास नहीं, बेरोजगारी बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं। किससे उम्मीद है कि उस बेरोजगारी को घटाएगा? अब ये तो नहीं कहा जा सकता है किससे उम्मीद है,
शायद रघुवर दास बन जाए, यही सुधार करें। उम्मीद पालने का तो मौका यही है ना, लोकतंत्र में तो यही वोट वोट का चोट ही है जिसके से आपको बोलने का एक मौका मिलता है। सही बात है, अधिकार आया है इस समय जनता का, यही एक ठो अधिकार है, बस वोट देना अधिकार है। उसके बाद नेता लोग सब मुंह मोड़ लेते हैं, कोई विकास नहीं दिखता है फिर। पक्का यही बात है, बस यही बात है, कुछ नहीं हो रहा है, बस रोड बन गया है एक ठो। कौन वो मुख्य पथ ये वाला, वो भी कहाँ बना? वो भी पूरा नहीं, उसी रास्ते से आए कहीं। वो कौन गाँव है आपका? बूढ़ी खाण है। हाँ, बूढ़ी खाण है यहाँ पे। ठीक है सर, हम लोग पैदल चलते थे विश्रामपुर से। आपके पास आधा अधूरा बना हुआ है। साहब आइए इधर, तो आप तो एकदम भाजपा के लिए एकदम चप्पे हुए थे वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो मोदी जी का कार्यकाल है उसे देश नहीं विदेश में भी उनका नाम है, और वो बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो नेता नहीं, जितना भी काम किए हैं अजूबा काम किए हैं। ये पूछना है आपसे कि मोदी जी के का कार्यकाल तो फिर से उनको मिल गया ना जी, 19 में चुनाव जो हुए हैं वो तो फिर से मिल गया। ये तो रघुवर दास के कार्यकाल का आप आकलन कैसे करेंगे? रघुवर दास का भी आकलन यही है कि रघुवर दास भी अब तानाशाही वाला रोल में आ गए हैं। एक कदावर नेता सरजू राय जी को वहाँ से टिकट न दे करके बहुत गलत निर्णय लिए हैं। बाकी रघुवर दास जी के भी 5 साल में बेदाग हैं, उनका कोई दाग नहीं लगा है, और मुख्यमंत्री बहुत सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो तानाशाही के रोल में अब आ रहे हैं। सुलझा हुआ आदमी कैसे तानाशाही के रोल में आ जाए? अब जैसा भी हो, लेकिन उनका ये जो कुछ प्रत्याशियों का जो टिकट किए हैं, कदावर नेता सरजू राय को टिकट वो काट दिए, ऐसे ऐसे और हैं जो कि काट दिए, इसलिए उनसे हम ये बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी कह रही कि बेरोजगारी, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ी है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकाल में बीजेपी का लोगों ने बिजनेस भी किया है, नौकरी भी किया है, और हर संभवतः वो काम करने के लिए अग्रसर है। हाँ, यहाँ पर किसकी किसकी लड़ाई देख रहे हैं अपने विधानसभा में? यहाँ पे लड़ाई में बहुत 3-4 लड़ाई में हैं, जैसे में कि भाजपा से रामचंद्र चंद्रवंशी जी स्वास्थ्य मंत्री 5 साल से हैं, और उसके बाद भूतपूर्व मंत्री ददई दुबे, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे आए हैं, वो भी लड़ाई में हैं। अंजू सिंह, वो पिछले चुनाव में सेकेंड विनर के रोल में आए थे, वो भी लड़ाई में हैं। और एक प्रत्याशी आपका नरेश सिंह हैं, वो अपना काम करके अपना इस क्षेत्र को जनता के बीच में आए हैं। लड़ाई में ऐसे 4 हैं, लेकिन अब जनता किसके ऊपर विश्वास करती है, ये जनता के ऊपर है। वोट अभी बोल नहीं रहा है, अब बीजेपी का वोट बोलता भी नहीं है बीजेपी। आप तो बहुत एकदम चपे हुए थे। हाँ बिल्कुल, वहाँ चपे थे इसलिए कि हमारा देश हित के जो नेता है उसका खिलाफ किए, तब हमने उनको बोला कि देश नहीं विदेश क्या हुआ है। आज 500 बरस बाबर के समय से राम जन्मभूमि की मुद्दा उठते रहा, बीजेपी के हर फेस्टो में वो नाम आता था, राम जन्मभूमि बन जाएगा। इस मसले को तो सुलझाया सुप्रीम कोर्ट ने है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका मतलब सरकार के दबाव में है आपके कहने? नहीं 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 सर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला था, इसने सुप्रीम कोर्ट को सरकार नेतृत्व करती है? नहीं करती है सर, लेकिन उसका विजन जो था कि 45 दिन में रोज फाइल को आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, फाइल पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट का जो जज थे उनका समझ में आया कि राम जन्मभूमि, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे लोगों को मान्य है, फिर इसमें सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका उसमें पहल, भारतीय जनता पार्टी क्या भूमिका है? आप नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट क्यों दे रहे? नरेंद्र मोदी के दे रहे हैं, 370 धारा जो हटा, 35A जो हटा, जो वहाँ का था। राम मंदिर और 370 अलग अलग है? हाँ, तो अलग अलग मैं बता रहा हूँ, 370 धारा को भी उसने ही सुलझाया। कहा जाए कि जिसके कार्यकाल में काम होता है, जनता उसको कहती है कि उसके कार्यकाल में हुआ, जनता उसको कहती है।
यहाँ मैं अपने दर्शकों के लिहाज से बता दूं कि आमतौर पे जितना नीरस चुनाव हो गया है बिहार और उत्तर प्रदेश का, झारखंड का चुनाव उतना ही रंगीला है। यहाँ सभी लोग एक तरीके से जो दिखते हैं जिस पार्टी के समर्थक हैं उस पार्टी के समर्थक हैं। यहाँ अगर अमन थोड़ा सा आप कैमरा मूव करके दिखाएंगे तो यहीं जदयू का भी झंडा लगा हुआ है, एक निर्दल प्रत्याशी हैं कंगी छाप उनका भी झंडा लगा हुआ है, एक ट्रैक्टर जो है जदयू का एक तरीके से सिंबल, हालांकि तीर छाप है बिहार में, यहाँ ट्रैक्टर मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी और सारे पार्टियों के जो गाड़ियाँ हैं सभी लोग समर्थक उसी तरीके से। यहाँ भाई साहब हमको जो मिले हैं अभी ये इनकी गाड़ी पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ था आपका। बहुजन समाज पार्टी की भी कुछ मजबूती है कैसे? मायावती भी अपना बोलती है कि हम सभी समाज के लिए अपना कार्य को संपूर्ण रूप से करते हैं। यहाँ पे बीजेपी सरकार जो भी है, अभी रघुवर सरकार में बेरोजगारी बढ़ गया, न रोड बना, न कहीं सिंचाई हुआ, न कहीं शिक्षा का व्यवस्था किया गया, तो हम कैसे माने कि हमारा सरकार विकास करता है? जैसे बसपा तो कभी सरकार बनाने के दावे में तो है नहीं, नहीं है, नहीं अगर, है अगर उसके दो चार विधायक जीत भी गए तो वो भाजपा की ओर जाएंगे कि कांग्रेस की ओर जाएंगे? नहीं, कांग्रेस की ओर जाएंगे या इधर जो जेएमएम है उसके गठबंधन में रहे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। भाजपा आप लोग के लिए अछूत है? अछूत है, मान लीजिए हमको अछूत कहता था, हम भी अछूत कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? हमारे लिए कोई भी काम नहीं किया, यहाँ सिंचाई नहीं किया। मायावती तो साथ रही, चंद्रमंशी 11 साल पहले आरजेडी के विधायक थे जी। उस टाइम झांझी नदी को शिलान्यास करके ताकने तक नहीं गए, झांकने भी नहीं गए कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसमें हम उनका समर्थन नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहे। मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, चूंकि ये बिहार से सटा हुआ औरंगाबाद से सटा हुआ आप लोग का पूरा इलाका है, बिहारी दलों का कितना इस समय, जैसे यहाँ के भी चूंकि एमएलए पहले रहे जो राष्ट्रीय जनता दल से जीते अब भले दूसरी पार्टी में है, कितना आप जनाधार उनका देख रहे हैं, खिसकता देख रहे हैं या वो उसी तरीके से बरकरार है? नहीं, अभी तो उस हिसाब से कुछ लोग बरकरार भी हैं, कुछ खिसक भी गए हैं, अपने अपने जिस पार्टी के हिसाब से आवाज़ लोग उठाता है। लेकिन हम नौजवान जितना संघर्ष हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो, चाहे कोई पार्टी हो, उससे मतलब नहीं है कि कोई BSP हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हमें विकास का मतलब है। हमको नौकरी थोड़ी दे देगा अगला पार्टी के, अगर हम काम करते हैं हमको नहीं, ठीक है, हमारा काम है कोई भी पार्टी हो, विकास चाहिए हम लोग के, ऐसा कुछ नहीं। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है, हम किसान हैं। ठीक है, खेती किसानी को लेकर के जो हम आए यहाँ पर, जो हमारी समझदारी थोड़ी बहुत है आपके इलाके की, उसमें एक पानी बहुत बड़ा मसला है जी, गढ़वा पूरे पलामू रेंज का एक तरीके से, तो वो उस पर कुछ लोग करते, पार्टियां कुछ करती दिख रही हैं, सभी लोगों ने मैनिफेस्टो धीरे धीरे अपना जारी कर दिया। इस इलाके में भी एक हमेशा पानी लाने की बातचीत होती है, मिनिस्टर एक तरीके से यहाँ से जो जीतता है वो मिनिस्टर हो जाता है जी, वो उस मसलों पर कुछ काम होता दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले कि सिंचाई का काम तो कम हुआ है हमारे यहाँ, इसके बाद जितना भी काम है भारतीय जनता पार्टी से हम लोग संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आ रहा है वो चुनाव जीत रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, कहीं से कोई कमी नहीं है। जितना काम भाजपा ने कर दिया 5 वर्ष में, बाकी बाद पार्टी जितना भी था उसका 25% का भी मुकाबला नहीं कर पाया। शिक्षा के स्तर पर कुछ काम हुआ है? शिक्षा के स्तर पर भी, कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया हो, खुलने की बात होती हो, विश्रामपुर में ही खुला है। अच्छा। आज जो लोग बॉम्बे जाते थे आज विश्रामपुर में ही इंजीनियर बन जा रहे हैं, लोग इंजीनियरिंग विश्रामपुर में ही कर ले रहे हैं। नौकरी मिल रही है विश्रामपुर के आसपास या झारखंड? नौकरी यहाँ नहीं ना मिलेगा, नौकरी तो यहाँ नहीं रखा हुआ है, नौकरी तो बाहर ही मिलेगा, लेकिन इंजीनियर यहाँ लोग बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। हाँ, मगर ये एक बात बताइए, जैसे गरीब इंजीनियर अब बन रहा है, विश्रामपुर का जो रीजन है एक तरीके से वहाँ एक बी मोड है, है ना, बी मोड को पलायन मोड बोला जाता है। हाँ। यहाँ से सस्ते मजदूर अलग अलग, तो यहाँ से इंजीनियरिंग पढ़ लें तो यहीं जब रोजगार नहीं मिलेगा तो जा करके दूसरों के लिए तो ब्रेन ड्रेन का ही काम करेंगे ना। तो दूसरा इसको लेकर के आप सर अपनी जिस भी पार्टी के आप समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उसका कार्यकाल समर्थक की बात अलग है, जो काम बीजेपी ने कर दिया वो काम तो हम बता रहे हैं आपको, उसके 25% भी, 25% भी इसके पीछे वाले सरकार नहीं कर पाया है, ये मेरा कहना है। और आज भी जो है
मैंने इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आपको सरकार बनाने जा रहा है और यहाँ से भी जीत एकदम कांग्रेस को एकदम दरकिनार किए हुए। कल आप लोग कांग्रेस के पक्ष में एकदम ठेले हुए थे। हाँ, अब आज भी वही स्थिति है। विश्रामपुर के लिहाज से कह रहे हैं कि जितना भाजपा ने काम किया उतना किसी ने नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग को समझाइए फिर हमारे दर्शकों को। कहने का मतलब है कि भाजपा केवल अपना विकास किया है। जो भाजपा के कैंडिडेट यहाँ के हैं, भाजपा डायरेक्ट हम केंद्र के नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो पर्सनली जो है विधायक हुए हमारे, मंत्री जी हुए, वो पर्सनली अपना विकास किए हैं। जैसी में नहीं देखना है तो विश्रामपुर में जाके देख लीजिए कि क्या स्थिति उनका है। उन्हीं का हॉस्पिटल बना, उन्हीं के स्कूल कॉलेज फलना जगह रहला में विश्रामपुर में हर एक जगह, यहाँ तक कि एक देहात का बेल्ट पड़ता है वहाँ सुअरकोनी उनका कांडी प्रखंड में पड़ता है, वहाँ पर भी एक मंदिर था जिसको भी अपने ट्रस्ट के नाम में वो करने जा रहे थे। इसलिए उनका तो काम केवल अपना विकास है। बाकी बात मैंने कल भी आपसे पूछी थी खासतौर से कि जो आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस के ददई दुबे, उनकी अब उम्र हो गई और इस बात को लेकर के भी चारों तरफ एक एक आम बातचीत है कि अब उनका से कितना चलाई हुई। देखिए, उम्र होने से अंतर नहीं होता है। उम्र मान लीजिए कि उनका आज 70 साल लगभग होने जा रहा है। मैं जनता की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ हाँ, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, उम्र से कार्य नहीं होता है। कार्य उनका बहुत अच्छा ढंग के रहा है और आज नहीं एक बार नहीं चार चार बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। वो चार चार बार विधायक रह चुके हैं यहाँ से, अब प्रत्येक बार उनका कार्यकलाप अच्छा रहा है। और हाँ, प्रत्येक बार उनका कार्यकलाप अच्छा रहा है, उसके लिए कोई उनके लिए कोई बात नहीं है। और किसी भी गांव किसी भी अथी में जाइएगा तो उन्हीं का नाम अभी की स्थिति में है। हाँ, उन्हीं का नाम है। जीत हार की स्थिति में है। हाँ, आज क्या नाम है आपका? दिलीप पांडे। दिलीप क्या करते हैं? दिलीप कुछ नहीं, ऐसे व्यवसाय करते हैं। 5 साल के रघुबर दास के कार्यकाल को दिलीप यहाँ से बैठ करके आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई विकास नहीं है, केवल लूटा जा गया है, बस नाम अफवाह उड़ाया गया है सिर्फ कि ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है। थोड़ा मोड़ा हमारे यहाँ काम अगर आया तो कुछ मंत्री जी के वजह से पैसे घूसखोरी इधर उधर हुआ, और तो कुछ हुआ नहीं है। रोड बना नहीं, रोड आधा में ओके हो गया, फाइनल हो गया। रोड का ही स्थिति है कि गड्ढा गुड्ढी सब कुछ है, यहीं पर खराब है, यहीं पे खराब है। बूढ़ी कार पांडू आप देखिए, वही चीज प्रॉब्लम है, कहीं कुछ नहीं है, बस फालतू के अफवाह सिर्फ है कि विकास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, बस बस यही स्थिति जी। थैंक यू। आइए इस तरफ, इस तरफ आइए। क्या नाम है? संजीव कुमार पांडे। क्या करते हैं संजीव? मैं बिजनेसमैन हूं। आप भी बिजनेसमैन? हाँ। बिजनेस में ये बताइए कि अच्छा, नरेंद्र मोदी की जो पिछली सरकार रही, नोटबंदी एक हुआ, नोटबंदी से कुछ आपके बिजनेस को घाटा, फायदा? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है उससे, कोई नुकसान नहीं। GST वगैरह का सब कुछ इन्वॉइस हमें कुछ नहीं हैं। वो तो पहले हम लोग टैक्स चोरी करते थे। अच्छा, अब टैक्स दे रहे हैं। अब टैक्स बस वो टैक्स मेरा विकास है। रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? वो पर्सनल वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लिए वो कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ के कोई जनता का कोई विकास नहीं किए, न शिक्षा में कुछ किए, स्कूल है न हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले एक प्रत्याशी का लड़का रात में रात्रि होने के कारण नहीं मर गया। हाँ। उसके लिए जवाब दे, जब स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र में ही स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर वो क्यों करने के लिए मंत्री बने हैं? न डॉक्टर है न कोई है, तो फिर क्यों बने वो स्वास्थ्य मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री के बोलते हैं दिए के तेरे अंधार, तो वही दिए के तेरे अंधार है। तो रघुवर दास को फिर कैसे आप पास कर रहे हैं? एक हम नहीं पास कर रहे हैं उनको। आप नहीं पास कर रहे हैं? इस बार पास हो पाएंगे? नहीं नहीं, वो तो जनता बताएगी, मेरे यहाँ से पास नहीं हो पाएंगे। मेरे यहाँ से? हाँ सर, आइए। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। आप भी किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह या नेता कार्यकर्ता हैं? लग रहा है भाजपा के हैं। ठीक है, तो आप तो फिर भाजपा के लिहाज से आपसे सवाल जवाब किए जाए ना, भाजपा ने क्या दिया? यहाँ तो तमाम जो नौजवान पीढ़ी है वो स्वास्थ्य के मसले पर आपको फेल कर रही है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं। शिक्षा के मसले पर फेल कर रही है, सड़क सिंचाई तो एक आम किसान भी यहाँ से बोल करके जा रहा है। सिर्फ भाजपा के आप लोग कार्यकर्ता भी बने हुए हैं या कुछ काम भी करवा रहे हैं क्षेत्र के लिए? पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा हुआ है काम। पहले जो 14 साल जो राज किया गया, राज हुआ झारखंड में, तो उस समय का अपेक्षा अभी 5 साल जो राज हुआ भैया। हाँ, पर हमको बोलने दीजिए, उनको बोलिए, उनको बोलने दीजिए। 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब तुरंत सोचिएगा कि सब काम एक बार हो जाए, संभव नहीं है। 5 साल में अच्छा काम हुआ है,
अच्छी सरकार चला है ना, पानी का भी व्यवस्था हुआ है, बिजली का व्यवस्था हुआ है, स्वास्थ्य का विभाग में जो कहा बात है तो स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अच्छा, सिंचाई के स्तर पर खास तौर से ये पूरा इलाका कभी सूखे से भी प्रभावित रहा, कभी अकाल से प्रभावित रहा, सिंचाई के स्तर पर कुछ नहीं खास कर पा रहे हैं। सिंचाई के बारे में जो बिजली की व्यवस्था सिंचाई के लिए, तो पहले बिजली का व्यवस्था 6 घंटा रहता था, अभी 18 से 20 घंटा बिजली रहती है। मगर मैं बीते दो दिनों से, मैं अपने दो दिनों का एक्सपीरियंस आपसे साझा करूंगा, पांडू में हूँ, बीते रात भी हम लोग फोन तक कायदे से चार्ज नहीं कर पाए हैं, पावर बैंक किसी किसी तरीके से लगा। अभी तो लाइट आप अगर कल हो दो दिन से होंगे तो लाइट तो रह रहा है 18 घंटा। दो दिन से, कल शाम को हम बैठे थे आपके बाजार में, लाइट कटी हुई थी पूरे रात हमने, तो किस घंटा लाइट के दम बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम 18 से 20 घंटा का बात कर रहा हूँ। 18 से 20 घंटा बहुत होता है, झूठ बोल रहे हैं। लाइन यहाँ बहुत दिक्कत है, लाइन नहीं रहता था यहाँ, अभी अभी चुनाव के समय 2 दिन से लाइन जो है 2-4 घंटा दे रहा है, लाइन नहीं रहता था। इस तरह सर झूठ बोल रहे हैं, इन पर कथी कर रहा हूँ, अबर बार इनको उठा के फेंक देना है, इसे झूठ बोलने वाले को, झूठ बोलने वाले को उठा के फेंक देना है। हाँ, अपना नाम बताइए आप। कमलेश केसरी। कमलेश केसरी, सिंचाई के लिए अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ, बाप रे बाप, बहुत दिन से सुन रहे हैं। अब इनके जो वर्तमान विधायक थे, अभी तो भाई हो गया, लाइट लगाने के लिए कहे थे, कहियो लाइट नहीं लगवाए ना, कहियो लाइट नहीं लगवाए, सोलर लाइट बीडी प्रसाद ने लगवाया जी, बीडी प्रसाद का देन है, ये रामचंद्र चंद्रमसी का देन नहीं है। हल्ला नहीं करो, गलत स्टेट में मत आइए। आइए, बिल्कुल आइए, इस तरफ रोशनी आएगी ना। नाम बताइए पहले। मेरा नाम चलिता राम है। बताइए यहाँ के मसले पर बातचीत कीजिए, और सुनिए था सर, थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ से हम विधायक और सांसद को जिता के बैठाते हैं, लेकिन केंद्र में वहाँ जा करके कुछ नहीं चर्चा करते हैं कि यहाँ गरीब कैसा है, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ कारखाना चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कुछ भी नहीं यहाँ के विधायक और सांसद जा करके कहते हैं। यहाँ पर जा करके खाली कार्यकर्ता लोग को कुछ पैसा आ जाएगा, इधर उधर मिल जाएगा, काम की अब चालू हो गया चालू, कुछ काम नहीं यहाँ होता है। कार्यकर्ता लोग कितना पैसा लेता है घूमने का आजकल? आजकल नहीं ना, वो कार्यकर्ता को कुछ काम मिल जाएगा, एक आध दूगो काम होगा, होबो नहीं करेगा, बस ये हो जाता है। 50,000 का फंड मिलता है, उतने में 5 साल बुलाई लेता है। लेकिन यहाँ पर कल कितना मिल रहा है मोटरसाइकिल का? सुनिए सर, यहाँ पर हमको गरीबों का कारखाना चाहिए, अमीर और गरीब भी यहाँ खर्च सकता है, यहाँ बेरोजगारी है, नहीं बोला है, यहाँ पर इसके पहले सीवी नारायण सिंह, यहाँ पहले उग्रवाद से हम लोग त्रस्त थे, जब से चंद्रवंशी जी यहाँ विधायक हुए, मंत्री हुए, तबे से यहाँ मने समझ के हम लोग अमन चैन में है। अभी पानी पर काम वो कर रहे हैं, पुल पुलिया जितना रोड था सब बना रहे हैं, तो एक के बार में सब हो जाएगा, यही तो 5 साल से माने कामे हम लोग के मिल रहा है। इसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग इतना मार्केट में जमा भी नहीं हो पाते थे, जो कि आज हम लोग। मगर अभी जब आचार संहिता लागू हुई है, इसी बीच भी जब हुए कि नक्सलिज्म चारों तरफ से खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ हिस्सा में बाकी भी है, लेकिन खत्म का हम लोग महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म। हाँ, युवा भी ये चीज महसूस कर रहे हैं आप लोग, यहाँ से कैसे देख रहे हैं रघुवर दास के कार्यकाल को? नहीं, रघुवर दास के पर्सनल कार्यकाल को देखा जाए तो हम लोग यहाँ के ज़्यादातर जनता लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में या उस क्षेत्र में यहाँ जमीनी स्तर तक विकास नहीं देखने को मिला है। वो अपने जगह पे ठीक हैं, और बीजेपी उनसे उनका जो कार्यकाल है वो केंद्र से उनको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं चाह के भी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ जो क्षेत्रीय, मतलब ये विधानसभा चुनाव क्षेत्र के वजह, ये क्षेत्र के हिसाब से होती है, तो यहाँ के विधायक जो भी विधायक बनते हैं तो वो ज़्यादातर अपने जातिवाद को देखते हैं, वो उस जाति का है तो उस जाति के लोग सारे के सारे विधायक हो गए, वो अपने जाति को देखते हैं, मतलब जाति मसला को देखते हैं। तो इस बार हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जाति पाति को न देख के विकास के क्षेत्र में काम लाए, सबको एक समान देखे। तो प्रत्याशी को देखने, जांचने और परखने और उस पर वोट डालने का समय आ गया, कौन है जी? ये तो मैं गुप्त रखना चाहता हूँ जी। ठीक, तो ये हमने एक खास तौर से विश्रामपुर जो विधानसभा है, पलामू जिले का, पलामू प्रमंडल का, पांडू जो बाजार है, वहाँ से
बातचीत निकालने की कोशिश की है, खासतौर से उन मुद्दों पर जिन पर बातचीत नहीं होती। नेता नगरी अपने तरीके से बातचीत करती है, हालांकि इसमें तब भी कुछ कार्यकर्ताओं को हमने शामिल किया ताकि बातचीत आप तक पहुंचे, उनका भी पक्ष पहुंचे। हमने कोशिश की है कि वो यहाँ का जो खासतौर से मसला है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार का, उस पर यहाँ के लोगों से बातचीत करें और उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाए अगर उस तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारे माध्यम से वो ये आवाज़ पहुँचे पांडू की जनता की, तो वो उस पर काम करे आगे। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण अमन के साथ, बहुत धन्यवाद।